अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेकर हम दोबारा से एक वीडियो बना रहे हैं, और इसमें हम आपको डेली कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसका ओवरव्यू, उसमें से कितने एक्टिव केसेस हैं डेली, कितने रिकवर हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कितनी डेथ्स हो रही हैं, उनका एक कम्प्लीटली डेली ओवरव्यू, फिर एक टोटल का ओवरव्यू कि टोटल कितने हैं हो रहे हैं, और एक्चुअली वो ट्रेंड क्या शो करवा रहा है हमें कि किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, पैटर्न्स क्या हैं। उसके बाद एक समराइज्ड ओवरव्यू के पूरे पाकिस्तान का, एंड देन क्रिटिकल पेशेंट जो के सबसे अहम पैरामीटर है, एक तरह से हार्ड डाटा जो होता है कि कितने लोगों की डेथ्स हो रही है, कितने क्रिटिकली पेशेंट्स हैं अवेलेबल, उसका ट्रेंड देखेंगे। उसके बाद जो जैसे पहले डेली और टोटल केसेस की बात हो रही है, उनके ग्रोथ या डिक्लाइन रेट के ऊपर एक समरी है कि किस तरीके से वो कंटिन्यूसली ग्रो या डिक्लाइन कर रहे हैं, एक्टिव केसेस, टोटल केसेस एंड डेथ्स। और सबसे अहम पैरामीटर टेस्टिंग, जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि केसेस इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन हम उसको देखेंगे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट के तनाजुर में कि एक्चुअली टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं और क्या वो वाकई में कम हो रहे हैं, टेस्टिंग इटसेल्फ मैटर करती है या टेस्ट पॉजिटिविटी रेट एक्चुअली मैटर करता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले डेली के न्यू केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आपके सामने स्क्रीन है, एक लेफ्ट साइड पे डेली न्यू केसेस और राइट साइड पे टोटल केसेस अब तक कम्युलेटिव कितने हो चुके हैं। तो आप ये ट्रेंड देखिए, डेली न्यू केसेस का एक पीक से हम गुजर के दोबारा डिक्लाइन की तरफ आ रहे हैं। ईद के बाद से इंक्रीज स्टार्ट हुआ था, ईद उल फितर के बाद से, और कंटिन्यूसली अप टिल मिड ऑफ जून काफ़ी ज़्यादा हाई केसेस रिपोर्ट होते रहे। जो लाइन लाइन है वो एवरेज वैल्यू बता रही है, बाकी बार चार्ट है डेली वैल्यूज़, तो जो एवरेज वैल्यूज़ दिखा रही है लाइन वो अब नीचे की तरफ है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप डिक्लाइन हो चुका, लेकिन लास्ट 2-3 डेज़ में दोबारा थोड़ा सा इंक्रीज शो हुआ है। तो होपफुली ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे डेली न्यू केसेस, और डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तब जाके 2 माह में जाके कंप्लीट होंगे ये जस्ट डिक्लाइनिंग। लेकिन लेट्स होप एंड प्रे। टोटल केसेस आप देख सकते हैं कि उसमें भी एक हमें अब ये शो हो रहा है कि शायद इंक्रीज रेट उतना तेज़ नहीं है, तो इसलिए वो कर्व बेंड हो रही है और शायद हम प्लेटो की तरफ जा रहे हैं कि कर्व प्लेटो हो जाएगी होपफुली। अगर आप डेली के एक्टिव केसेस पर नज़र डालें तो एक्चुअली डेली के एक्टिव केसेस नेगेटिव में हो रहे हैं, विच मीन्स हमारे एक्टिव केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि न्यू केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं, जबकि रिकवर जो हो रहे हैं डेली वो ज़्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2,000 न्यू केसेस आते हैं तो 8,000 रिकवर होते हैं, डबल से भी ज़्यादा रेशो, जिसकी वजह से वो आप बार चार्ट को नीचे नेगेटिव की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। और इसी वजह से जब हम टोटल एक्टिव केसेस देखते हैं तो टोटल एक्टिव केसेस का ग्राफ अब तकरीबन स्टेडी है पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से, उससे भी ज़्यादा, तो विच इज़ अ गुड थिंग। और अल्लाह करे कि नेक्स्ट ये फर्दर डिक्लाइनिंग की तरफ जाए एक्टिव केसेस का, मैक्सिमम लोग रिकवर हो जाएं, न्यू केसेस आना बंद हो जाएं, तो इंशाल्लाह ख़त्मा हो जाएगा पाकिस्तान में कोरोना वायरस का। तो डेथ का डाटा है डेली का, मैंने इसको रेडिश कलर में किया है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ वेरी बैड डाटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा अमवाद नहीं होनी चाहिए समहाउ, लेकिन दिस इज़ वट कोरोना इज़ डूइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डेली की डिसीज केसेस में भी एक मिड मिड जून में मैक्सिमम पॉइंट अचीव हुआ, उसके बाद से कर्व नीचे की तरफ जा रही है, तो अल्लाह करे ये नीचे की तरफ ही जाता रहे, डेली की जो डेथ्स हैं ऑन एवरेज वो कम होती रहें। बट लेट्स सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल वी फॉलो द SOPs। और राइट साइड पे आपको टोटल डेथ्स का डाटा नज़र आ रहा है, तो टोटल मोर देन 4,500 पीपल हैव डाइड इन पाकिस्तान। बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम अब अगेन ईद आ रही है, तो आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, बहुत एहतियात करनी है, वरना जैसे एक दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा एक टॉप पॉइंट से गुजरना पड़ा है डेली के न्यू केसेस में भी और अमवात में भी, हम डिक्लाइन की तरफ हैं, वो दोबारा ऊपर की तरफ जाने का खदशा बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली डेली रिकवर्ड केसेस पर नज़र डालें तो एक ऐसा एक्सेप्शनल दिन है जब 9,000 से भी ज़्यादा है केसेस रिकवर हुए। एक्चुअली मैक्सिमम ये पंजाब में रिकवरी शो करवाई गई थी, पंजाब में रिकवर ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से टोटल पाकिस्तान का नंबर ज़्यादा हो गया। ओवरऑल भी तकरीबन अब आज लेटेस्ट ट्रेंड तमाम रीजन्स का यही है कि रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो एक्चुअली
पाकिस्तान ने शायद ये डिसाइड किया है कि 10 दिन से ज़्यादा के बाद अगर कोई विदाउट सिम्टम्स पेशेंट हैं तो उनको रिकवर्ड कंसीडर किया जाए, जो पहले डबल टेस्ट के बाद 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उनको कोरोना फ्री किया जाता था, तो अब उनको जल्दी डिक्लेयर करने लग गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से रिकवर्ड पेशेंट्स डेली बेसिस पे ऐड हो रहे हैं टोटल डाटा में। और टोटल रिकवरी की ग्रोथ रेट राइट साइड पे आपकी स्क्रीन की वो भी देखें, काफ़ी शार्प इंक्रीज है कर्व में, वो इसीलिए है कि हमारी रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अ गुड साइन। तो इन दिस स्लाइड एक्चुअली और समराइज फॉर्म में टोटल कितने एक्टिव केसेस और रिकवर्ड केसेस और टोटल कितनी अमवात ईच डे पर हो चुकी हैं आप उसको देख सकते हैं। तो येलो कलर में एक्टिव केसेस की कर्व अगर आप देखें तो ये मोर और लेस कॉन्स्टेंट है फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स नाउ, और होपफुली ये आगे डिक्लाइन की तरफ जाएगी और रिकवर्ड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल दो टोटल केसेस तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन एक्टिव केसेस आर स्टिल कॉन्स्टेंट, विच इज़ अ गुड साइन, और रिकवर्ड केसेस में और डेथ्स में इजाफा हो रहा है। तो एज लॉन्ग एज एक्टिव केसेस आर नॉट इंक्रीजिंग, हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड नहीं बढ़ेगा, और टू से एक्टिव केसेस में से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी उनकी बेस पे हॉस्पिटल पे लोड बढ़ता है या कम होता है। तो एज लॉन्ग एज एक्टिव केसेस नहीं इंक्रीज होंगे उतने ही क्रिटिकल केसेस कम होंगे, उतना ही हॉस्पिटल पे लोड कम होगा, तो इट्स अ गुड साइन। लेट्स सी, अभी आप ये देखें कि ये यकम अप्रैल से जुलाई का महीना आ चुका है और अभी तक ये कर्व ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो जब इसका डिक्लाइन स्टार्ट होगा तो फिर अगेन आई थिंक इट्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा इसको दोबारा नीचे भी आने के लिए। इट्स स्टिल लॉन्ग वे टू गो अंटिल वी गेट। तो इस स्लाइड पे आप डेली क्रिटिकल पेशेंट्स का डाटा देख रहे हैं, ये ही एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल लोड को जज करने के लिए, क्योंकि इसमें पेशेंट्स वो इंक्लूडेड हैं जो या तो वेंटिलेटर पर हैं या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो देर वॉज अ टाइम जब ये क्रिटिकल पेशेंट्स पाकिस्तान में मिड जून में पीक पे 3500 तक चले गए थे। बीच में से कुछ डाटा मिसिंग है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने डाटा अब देना स्टार्ट किया है, दे स्टॉप्ड शेयरिंग दिस डाटा विद अस। तो रिसेंटली जब डेली बेस पे डाटा देना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे क्रिटिकल पेशेंट्स अब जब एक टाइम पे मिड जून में 3500 तक थे, वो अब कम हो के 2500 से भी कम हो चुके हैं, लेस देन 2500, विच मीन्स के ऑल्दो न्यू केसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट हॉस्पिटल्स पे लोड कम हो रहा है और क्रिटिकल पेशेंट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमवात भी इंशाल्लाह कम होंगी और होपफुली हम इसको काबू पाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, तो अब है हमारे ग्रोथ या डिक्लाइन रेट, जिसको कह लें कि डेली बेस पे टोटल केसेस की ग्रोथ रेट, देर वॉज अ टाइम बाय मिड ऑफ मई के 5% से भी ऊपर, फिर उसके बाद ईद के करीब ईद उल फितर के करीब काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था केसेस की ग्रोथ में, लेकिन ईद की जो हमने शॉपिंग किया उसके नतीजे में दोबारा से मिड ऑफ जून तक ग्रोथ रेट 5 से ऊपर चला गया था टोटल केसेस का। और अब फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज और शायद आवाम ने भी कुछ SOPs को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से डिक्लाइन है कंटिन्यूसली टोटल केसेस के ग्रोथ रेट में, और अब तकरीबन ईच डे लेस देन 2% न्यू केसेस आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। और अगर ये 0% तक पहुंच जाए यही कर्व, जो कि अभी पहुंचती नहीं नज़र आ रही क्योंकि लास्ट 1 वीक में इट्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट के लेस देन 2%, बिटवीन 1.5 to 2% न्यू केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, तो वी होप कि दोबारा से इंक्रीज ना करे, शूट अप ना करे, और अल्लाह करे कि इस ईद पे उस तरह से बकरों की ख़रीदारी ना हो जैसे पिछली ईद पे गरीबों ने कपड़ों की ख़रीदारी की है। और जो डेथ्स क्या है डाटा, वो भी यही हमें डेली की डेथ्स की ग्रोथ रेट भी यही शो करवा रही है कि ये जून में काफ़ी हाई था लेकिन अब ये भी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग है और अब लेस देन 2% है, विच इज़ ए वेरी गुड साइन के होपफुली ये तो क्लियर नज़र आ गया है कि गवर्नमेंट ने जब सीरियस लिया है और तभी आवाम ने भी सीरियस लिया है, तो हमने ये डिक्लाइन देखा है। अब लेट्स सी आगे कैसे चलते हैं, गवर्नमेंट कैसे डील करती है और हम आवाम कैसे वायरस को कितना सीरियस लेते हैं। ओके, तो ये स्लाइड हमें एक्टिव केसेस की ग्रोथ रेट और रिकवर्ड केसेस की ग्रोथ रेट के बारे में बताती है। तो ग्रोथ रेट ऑफ रिकवर्ड केसेस में बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि शार्प
इंक्रीज और डिक्लाइन बिकॉज जस्ट बिकॉज वो सडनली आफ्टर 2-3 वीक्स एकदम से हजारों केसेस को रिकवर शो करवा दिया जाता है बाय सम रीजन्स इन मुल्तान इन पाकिस्तान, तो उसकी वजह से एक्टिव केसेस अचानक से नीचे चले जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जनरल ट्रेंड यही है कि एक्टिव केसेस आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग ईच डे, और वो नेगेटिव ग्रोथ रेट मींस के वो इंक्रीज हो ही नहीं रहे, अब कम हो रहे हैं एक्टिव केसेस। और यही है कि जब तक एक्टिव केसेस कम होते होते लेट से जीरो तक नहीं जाते तब तक खात्मा नहीं होगा वायरस का। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड ने यही एक्टिव केसेस को ख़त्म कर दिया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 2-3 वीक्स कोई नया केस ना आए तो हम कहते हैं कि अब कोरोना वायरस का खात्मा हो चुका है इस कंट्री से। वी आर फार अवे फ्रॉम इट बट वी शुड होप दैट वी कैन डू इट, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस हाउ मच वी फॉलो द एसओपीस। ओके, तो इन माय ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन लास्ट 2-3 वीक से चल रही है और जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो दे आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और दे आर सेइंग के क्योंकि टेस्ट करना बहुत कम कर टेस्टिंग कम कर दी है तो इसलिए केसेस भी कम हो गए हैं एंड दिस इज़ जस्ट मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। बट द रियल डाटा द रियल पैरामीटर वन ऑफ द रियल पैरामीटर्स इज़ दैट के 100 में से कितने टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप वो राइट साइड पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का डाटा देखें तो देर वॉज अ टाइम जब 100 में से काफ़ी 3 हफ्ते तक 20 से भी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आते रहे थे, विच मीन्स अगर 100 टेस्ट करेंगे तो 20 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आएंगे, हर 10 में से 2 से ज़्यादा। लेकिन वो डिक्लाइनिंग स्टार्ट है, जब से टेस्टिंग की क्वान्टिटी कम हुई है वो डिक्लाइनिंग पॉजिटिविटी रेट में भी कम हुई है, विच मीन्स के समहाउ कुछ 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 हुआ है, कुछ कुछ तो वर्क किया स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से जो केसेस वायरस का स्प्रेड है वो कम हुआ है, कि ज़्यादा टेस्ट करने पे उतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेट से 1,000 टेस्ट करने पे पहले अगर 220 थे तो अब 1,000 टेस्ट करने पे 1,600 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये इट्स अ पॉजिटिव थिंग। टेस्टिंग ऑफ कोर्स ऑब्वियसली कम है, इट शुड इंक्रीज, बट जस्ट टेस्टिंग कम होने का मतलब ये नहीं है कि केसेस सिर्फ उसी वजह से कम हो रहे हैं। देर इज़ अ श्योर लाइक श्योर साइन के टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अगर कम हो रहा है तो एक्चुअली वायरस का स्प्रेड कंट्रोल हो रहा है अगेन। लेकिन इसमें लास्ट 3 to 4 डेज में अगेन स्लाइट इंक्रीज कैन बी सीन, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी डोंट टेक दिस वायरस ईजी। ज़रा सी भी अगर हमने कंप्लेसेंसी की तो इट कैन अगेन स्टार्ट शूटिंग अप एज इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो लेट्स होप एंड प्रे दैट बोथ गवर्नमेंट एंड द पीपल कीप टेकिंग इट सीरियस। ओके, आई मेड दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, बट आई इंटेंड मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मैं रीजन वाइज तमाम सूबों के लिए भी एक समराइज्ड ओवरव्यू दूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो भी देखें तो आप इसको जो चैनल है इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाए। अदरवाइज आई विल आल्सो ट्राई माय बेस्ट टू शेयर इट इन डिफरेंट ग्रुप्स सो दैट यू पीपल कैन गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड मोर डिटेल्ड रीजन वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ COVID-19 इन पाकिस्तान। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।